सलीम साहब, इन्होंने इतनी सारी यादें हमें बता दी, अगर आपको भी उस दौर की कोई यादें हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। हमें Okay, give them a round of applause. Our heroes, our stars, our superstars. Salim Sahab, Jawed Sahab. अक्सर कहा जाता है कि जिनके हाथ में ये माइक होता है वो एक सवाल हमेशा पूछे तो पेचीदा सा होता है, लेकिन आज ये सवाल पेचीदा नहीं है और वो है ये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। एक्चुअली हम लोग थोड़ा इनसिक्योर हो गए थे पीछे बैठे, ये के बाद इन सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये बुलबुल तो देखा ही था, रिवाइंड करो भाई हिंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। आई डू वॉन्ट टू स्टार्ट बाई आस्किंग द बोथ ऑफ यू कि हम सबने ये फिल्में देखी हैं, थैंक्स टू यू ये पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं, लेकिन व्हाट वाज दैट सीक्रेट फॉर्मूला आप हमें आज बता दीजिए, तकमीर सलीम जावेद सलीम जावेद जी, वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आज आप वो सीक्रेट फॉर्मूला हमें बता ही दें। और मेरा ये है कि वो उसके बाद से रहूँगा बहुत तक तकलीफ होगी, इसलिए कि हम मैं तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी वो बेवकूफ थे। Don't make men like these anymore, let me tell you that. Jawed साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the film, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we could do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Ravi for 50 rupees, then I jumped to 100 rupees in Mr. H.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also, because no other writer was willing to write the dialogue of Sarasvati Lutera. So we went to Chhopad Patti, we went to Mahim Ki Sagar Sahib, there was a writer, he also refused. Then he told me, let's go, you write. So it was not a choice, but it was probably my life, the most important film of Sarasvati Lutera, because that is where I met Salim Sahib. Salim Sahib, रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा, मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत थी और अप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब,
कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। तो ये खैर बात खत्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था। तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ। एक ये था कि एक उसका खाना पक्का हो गया था। तो फिर हम लोग बैठते थे, कहानियाँ वानियाँ सोचते थे। एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरयू लिटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन पे बना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितने पैसे दे दिया? तो उन्होंने कहा 5,000। तो आई मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन पे बना के उन्हें दे दिया। ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर, लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में है। तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम, तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाए। लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया। तो वहाँ बात बात की, तो उन्होंने अच्छा दोनों आ गए। मैंने कहा हम लोग साथ काम कर रहे थे, अभी खत्म किया हमने, दोनों आ गए। तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम आज मेरे साथ स्क्रीन पे लिखो। तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर होना है। इट हैपेंड लाइक दैट। और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत थी हिस्ट्री। The rest is history. Thank you so much, Javed Sahab. Ansa, Farhan Akhtar, Zoya Akhtar, Ritesh Sibwani, Reema Karthik, Namrata Rao, and Manish Bengali to kindly join us.